हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आईजी पेट्स चैनल और मैं आज आपको बताऊंगा पर्शियन कैट के मीट के बारे में, यानी कि मीट जो है किस तरीके से किया जाए, आपको जो है किस तरीके से जो है मीट जो है करना है पर्शियन कैट की, आपको जो है पूरा डिटेल में जो है इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि इस वीडियो में जो है चार टॉपिक्स के बारे में जो है मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि पर्शियन कैट की ब्रीड जो है कौन सी होनी चाहिए, फीमेल जो है रेडी हुई है या नहीं उसके बारे में, और जो है कितने दिन मिलेंगे आपको पर्शियन कैट की मीट के लिए, और जो है आपको किस तरीके से जो है सेटअप करना पड़ेगा मीटिंग के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अभी तक आपने हमारे आईजी पेट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल बटन आ रहा है उसको क्लिक मार के सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों आप अगर पर्शियन कैट बाय या सेल करना चाहते हो तो मेरी जो है इंस्टाग्राम की आईडी है ये, आप जो है यहाँ से मुझको फॉलो करके जो है यहाँ की कैट जो है बाय या सेल कर सकते हो। आप जो है अगर सेल करना चाहते हो तो आप जो है यहाँ पे आपकी फ़ोटोज़ जो है यहाँ पे डीएम कर दीजिए मुझको, और जो है अपने डिटेल्स जो है यहाँ पे डाल सकते हो, मैं जो है आपकी मदद करूँगा सेल करने के लिए। और अगर आप बाय करना चाहते हो तो यहाँ से बाय भी कर सकते हो। तो आपको जो है यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगी, आप जो है वहाँ से इंस्टाग्राम में चले जाइए और जो है मुझको जो है फॉलो कर सकते हो। तो जो है चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों आपको पर्शियन कैट के मीटिंग के लिए सबसे पहली चीज़ जो देखनी है आपको जो है ब्रीड सेम होनी चाहिए, यानी कि आप अगर ब्रीड सेम नहीं है तो आप जो है मीटिंग मत कराइए। अगर आप समझ लीजिए अगर डॉल फेस को अगर एक्सट्रीम पंच के साथ मीटिंग कराएंगे तो आपको जो है एक्सट्रीम पंच के जो है किटन्स जो है नहीं मिलेंगे, आपको जो है मिक्स ब्रीड जो है हो जाएगी वो, और जो है मिक्स ब्रीड की जो है वैल्यू जो है मार्केट में थोड़ी कम है, और जो है उसकी इम्यूनिटी और जो है उसकी ताकत और जो है उसकी ग्रोथ की जो पावर होती है, किटन्स की जो है पावर जो होती है मिक्स ब्रीड की वो कम होती है, या उसको जो है फंगल वगैरह जो है जल्दी हो सकता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी जो है मिक्स ब्रीड के कारण कम होती है। इसलिए जो है उसको बहुत ध्यान से जो है आपको रखना पड़ेगा। इसलिए आपको जो है मिक्स ब्रीड जो है मत कराइए, आपको जो है डॉल फेस के साथ डॉल फेस ही कराइए मीटिंग, और जो है सिमी पंच के साथ सिमी पंच, एक्सट्रीम पंच के साथ एक्सट्रीम पंच, क्योंकि मिक्स ब्रीड जो है मत कराइए। आपको जो है सेम ब्रीड के जो है कैट जो है लेने लेना है और जो है उसको उसको ही आपको जो है मीटिंग करवानी है। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट आता है फीमेल रेडी है या नहीं। अगर आपकी फीमेल कैट जो है मीटिंग के लिए रेडी नहीं है तो उसको मीटिंग मत कराइए, उसकी जो है एज होने दीजिए मीटिंग के लिए, और जो है उसकी एज के बाद में जो है उसको मीटिंग कराइए। अगर आपकी कैट अगर फर्स्ट टाइम में हीट है तो फर्स्ट टाइम में हीट को आई है तो उसकी जो है मीटिंग मत कराइए, उसको जो है 1 से 2 हीट जो हीटिंग जो आती है जो हीट में आती है उसको जो है 1 से 2 हीट जो है स्किप करिए, उसके बाद में जो है थर्ड या फिर फोर्थ हीट को जो है उसको मीटिंग कराइए, क्योंकि जो है उस टाइम में जो है वो जो कैट जो है मैच्योर हो जाएगी, और जो है उसके बाद में जो है आप मीटिंग कराएंगे तो उसकी कैट के जो किटन्स होंगे उसको जो है वो अच्छा देखभाल करेगी, और जो है उसके किटन्स के जो है बचने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे। क्योंकि अगर आप जो है उसकी एज भी नहीं है, आपको जो है फर्स्ट टाइम में हीट है और जो है उसकी मीटिंग कराते हो तो वो जो है छोटी होगी और जो है उसके किटन्स को भी जो है वो सही से देखभाल नहीं करेगी तो उसके जो है किटन्स भी जो है मरने के चांसेस जो है हो जाएंगे। तो इसलिए आपको जो है आपकी फीमेल कैट को जो है मैच्योर होने देना है, उसके बाद में जो है उसकी मीटिंग करानी है। ये नहीं कि आप फर्स्ट टाइम में मीटिंग हीट को ही आई तो आप मीटिंग कराए, इस तरीके से मत कराइए। आपको कैट को जो है मैच्योर होने देना है, उसके बाद में जो है उसकी मीटिंग कराइए। तो दोस्तों इन दोनों पॉइंटों के बाद में जो है आपको कैट जो है हीट में आना पड़ेगा, तभी जो है मीटिंग जो है करेगी कैट। और जो है आपको उसके पहला जो है आपको पता लगना चाहिए कि आपकी कैट कितने दिन तक हीट में आती है, यानी कि आपको जो है पहला स्किप करने के लिए इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको जो है पता लगे कि आपकी कैट कितने दिन तक जो है हीट में आती है, यानी कि 5 से 7 दिन तक जो है कैट जो है हीट रहता है तो आपकी कैट उसमें से कितने दिन तक हीट में आती है। आपकी कैट 5 दिन तक जो है हीट में आएगी या फिर जो है 7 दिन तक हीट में आएगी, तो आपको जो है उसको नोट करना पड़ेगा कि कितने दिन तक आपकी कैट हीट में रहेगी, क्योंकि हीट के लिए आपको जो है 5 से 7 दिन मिलेंगे, उसके बाद में जो है आपकी कैट मेल कैट को आपके सामने उसके सामने भी आने को नहीं देगी। तो आपको जो है इन 5 से 7 दिनों में ही आपकी कैट को मीट कराना है। तो
तो इसके लिए आपको जो है नोट करके रखना पड़ेगा कि कितने दिन तक आपकी कैट जो है हीट में आती है। तो दोस्तों आपको जो है 3 पॉइंट मिल चुके हैं। आपकी कैट की ब्रीड जो है सेम होनी चाहिए, आपकी फीमेल जो है रेडी होनी चाहिए, आपको जो है 5 से 7 दिन मिलेंगे मीटिंग के लिए। तो इसके बाद में जो है पॉइंट आता है, आपको जो है मीटिंग का जो है सेटअप करना पड़ेगा, यानी कि आपकी कैट को जो है एक जो है सेफ जो है रूम या फिर जो है सेफ जो है कुछ जगह जो है देना पड़ेगा वो मीटिंग के लिए। तो आपको जो है करना क्या है, मैं जो है मेरा एग्जांपल देता हूँ कि मैं किस तरीके से जो है मीटिंग जो है करवाता हूँ, आपको जो है उस एग्जांपल के हिस्से से जो है आपको जो है अपने हिसाब से जो है करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक मेरा जो है बाथरूम है जो मैं यूज़ नहीं करता, यानी कि हम जो है एक बाथरूम जो है एक हमारे घर में जो है एक बाथरूम जो है हम यूज़ नहीं करते, तो उसमें जो है मैं कैट को जो है अगर हीट हो आती है तो मैं क्या करता हूँ कि एक केज लेता हूँ और जो है केज में जो है मेल कैट को जो है डाल देता हूँ और जो है फीमेल कैट को जो है बाहर छोड़ देता हूँ। आपके पास जो है 5 से 7 दिन होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, अगर समझ लीजिए 7 दिन है तो 7 दिन में जो है मैं 2 दिन जो है उनको एडजस्टमेंट के लिए रख देता हूँ कि फीमेल जो है एडजस्ट हो जाए और जो है फीमेल जो है रेडी हो जाए मीटिंग के लिए। तो मैं क्या करता हूँ कि 2 दिन जो है एडजस्ट करने के लिए जो है केज में मेल को रख देता हूँ और फीमेल को जो है खुला छोड़ देता हूँ, और जो है दूसरे दिन जो है फीमेल को रख देता हूँ केज में और जो है मेल को जो है बाहर छोड़ देता हूँ। और तो क्या करते हैं वो जो है एडजस्ट हो जाते हैं 2 दिन तक, उसके बाद में जो है मीटिंग के लिए जो है उनको खुला छोड़ देता हूँ, दोनों को जो है मीटिंग हो जाती है। अगर इसी इसी तरीके से आपकी अगर फीमेल की मीटिंग जो है हो जाती है, यानी कि आपकी कैट्स की जो है मीटिंग जो है हो जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर एक कुछ फीमेल होती है कि कुछ फीमेल होती है कि वो एडजस्ट नहीं होती और जो है वो मीटिंग जो है नहीं करती, तो आपको क्या करना है उसको जो है पकड़ना है और जो है उसको जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है पकड़ना है और जो है फीमेल को जो है अपोजिट यानी कि पीछे से जो है छोड़ देना है, और जो है उसके बाद में जो है मेल जो है उसको पकड़ लेगा और जो है मीटिंग जो है हो जाएगी। आपको जो है सिंपल तरीके से करना है, और जो है पकड़ने से पहले आप जो है सेफ्टी जो है आपको जो है हैंड ग्लोव्स वगैरह जो है बाँध लेना है, क्योंकि जो है फीमेल जो है वो एग्रेसिव हो जाती है और जो है आपको जो है आपको काट भी लेगी, क्योंकि वो जो है फुल जो है एग्रेसिव हो जाती है उस टाइम में। तो आपको करना क्या है कि आपको जो है उस तरीके से करके जो है आपको जो है उसकी मीटिंग करवानी है, तो मीटिंग इस तरीके से करवा दीजिए, आपकी जो है मीटिंग जो है हो जाएगी। तो दोस्तों मीटिंग होने के बाद में जो है आपको कितने टाइम तक जो है उसकी मीटिंग करवानी है, यानी कि आपको कितने टाइम जो है उसकी मीटिंग करवानी है कि वो सक्सेसफुल हो जाए, तो ऐसा कुछ जो नंबर नहीं है कि मीटिंग इतनी करवाएगी तो आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी, क्योंकि उनको जो है 5 यानी कि 7 दिन जो है मिल जाते हैं मीटिंग के लिए। तो आपको जो है उन 7 दिनों में उनको जो है उनके हिसाब से जो है छोड़ देना है कि उनको कितने बार करना है, यानी कि उनकी जो है सेटिस्फाई कितनी है वो जो है कर लेंगे। अगर आप भी अगर कोई फीमेल होती है कि वो एग्रेसिव हो जाती है मीटिंग के लिए, तो वो उसको जो है आपको 7 से 8 बार जो है करवाना है। अगर 7 से 8 बार जो है हो जाएगी तो वो जो है वो हो जाएगी, इनफ है उसके लिए। लेकिन अगर आप जो है उनके हालत में ही छोड़ देंगे, उसको जो है सेटिस्फाई होने के लिए छोड़ देंगे, यानी कि उसके हिसाब से जो है वो कर लेंगे, तो आपको जो है बेहतर है, यानी कि वो जितने बार उनकी मर्ज़ी से वो कर लेंगे तो वो ठीक है, यानी कि वो कितने बार भी करे वो आपको जो है उनको उनको खुला छोड़ देना है और जो है उनके हिसाब से जो है छोड़ देना है। आपको जो है वो नंबर वगैरह नहीं है कि इतने बार होगी तभी वो सक्सेसफुल होगी, ऐसा कुछ नहीं है। उनको जो है उनके हालत में छोड़ दीजिए, आप जो है वो कर लेंगे और जो है उसकी सक्सेसफुल जो है हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जो है देखते रहिए IG Pets चैनल।